ये तानाशाही की पराकाष्ठा है, तानाशाही की पराकाष्ठा है। जब तक देश की संपदा नरेंद्र मोदी जैसे घायल लोगों से लूटी जाएगी, अडानी जैसे मित्रों को दी जाएगी, तब तक देश का युवा सड़कों पर आकर सवाल करेगा, तब कौन से लेकर संसद तक राहुल जी और राहुल गांधी जी के सिपाही लड़ेंगे। लेकिन इस बस के अंदर भी नारी के साथ बहुत बदतमीजी हो रहे हैं पुलिस के साथ। गुंडागर्दी, बदतमीजी, कपड़े फाड़ रहे हो, जूतों से ठोकर मार रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। सरकार घबरा चुकी है, उनके मंत्रियों के उन सबके हौसले पस्त हो चुके हैं। ये राहुल गांधी नहीं, दूसरी आंधी है। आज से नरेंद्र मोदी जी की उल्टी गिनती चालू। We will continue our fight no matter what Narendra Modi ji or Amit Shah ji does. We are not scared. They can put us in jail 1,000 times. They can arrest us 1,000 times. नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बस के अंदर भी नारी के साथ बहुत बदतमीजी हो रहे हैं पुलिस के साथ। मोदी शेम, आपको घसीटा गया, आप कह रही हैं आपके साथ मारपीट भी की गई, कपड़े फाड़े जा रहे हैं लगातार राज्यसभा सांसदों के। हमारे साथी लोगों के साथ भी बहुत बदतमीजी हो रहे हैं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। हम वी विल नॉट स्टॉप। कब तक जेल जाती रहेंगी आप लोग? जब तक जान है, जब तक हमारे पास वो राहुल जी ने जो सवाल पूछा उसके जवाब नहीं मिलते, हमारी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको जेल भेजे अरेस्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सवाल है, जब तक देश की संपदा नरेंद्र मोदी जैसे घायल लोगों से लूटी जाएगी, अडानी जैसे मित्रों को दी जाएगी, तब तक देश का युवा सड़कों पर आकर सवाल करेगा और तब तक जेल जाएगा। आपके साथ अंदर में भी मिसबिहेव हो रहा है, बहुत मिसबिहेव हो रहे हैं। हमारे पूरे यहाँ नारी गर्ल्स आर देयर, दे आर ट्रीटिंग देम वेरी बैडली, दे आर अटैकिंग द गर्ल्स वेरी बैडली। आप अंदर देखिए, आप अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिला पुलिसकर्मी और महिला जो है कांग्रेस की कार्यकर्ता, उनमें हाथापाई हो रही है। किस प्रकार से वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको महिला जो पुलिसकर्मी है वो बार बार बोतल दे रही है। मैम, ये जो हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगी? ये बहुत बदतमीजी हो रहे हैं हम सबके साथ। पुलिस बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रही है, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कुछ आप भी। आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फिर भी आपके साथ ये ऐसा हो रहा है। यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो क्या किसी को कोई वैल्यू नहीं है? यहाँ नारी शक्ति का कुछ बात ही करते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ जब नहीं होता। संसद में सांसद को बर्खास्त कर देते हैं तो यहाँ हमारे साथ कपड़े की तो हम क्या ही बात करें। कल भी यही सब करेंगी आप लोग फिर से? कितनी तो क्या पूरे, जब तक हमारे जान है, जब तक हम अब तो अब सदस्यता चली गई है, आप क्या करेंगे 2024 में, कैसे करेंगे? वी विल कंटिन्यू आवर प्रोटेस्ट नो मैटर व्हाट दिस प्राइम मिनिस्टर। 2024 में कैसे लड़ेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी जी सड़कों पे लड़ेंगे, राहुल जी और राहुल गांधी जी के सिपाही लड़ेंगे सड़कों पे लड़ेंगे, राहुल गांधी जी लड़ेंगे संसद तक, लड़ेंगे सड़कों से सदन तक, लड़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये जो आपको दिख रही है काले सूट में, ये जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और जो है सारी महिलाओं को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ले जाया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी भी की जा रही है। इससे पहले भी दो बसें जा चुकी हैं और आप ये देख लीजिए कि किस प्रकार से लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे तमाम जो है पुलिसकर्मी है, तमाम जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है, और ये देखिए आप लोग, हम लोग आपको बार बार विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है। सर क्या बोलेंगे? ये तानाशाही की पराकाष्ठा है, तानाशाही की पराकाष्ठा है। ये देखिए आप लोग किस प्रकार से दिल्ली पुलिस
देश के लिए, इस देश के लिए कुर्बान होंगे, इस देश के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए हम लोगों को कैसे जूतों के तले ये लोग रोंद रहे हैं। तब तक आप लोग इसी तरीके से लड़ते रहेंगे? बिल्कुल, संघर्ष करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इसको किस प्रकार से लेके जा रहे हैं। सुनो भैया, 1000 बार भी कहोगे तो ऐसे ऐसे गुंडागर्दी, तानाशाही, बदतमीजी ऐसे ठीक नहीं है। गुंडागर्दी, बदतमीजी, कपड़े फाड़ रहे हो, जूतों से ठोकर मार रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। हम लोग आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है? हम लोग आप लोग देख सकते हैं, बारी बारी से एक एक करके सारे कांग्रेस कार्यकर्ता को डिटेन किया जा रहा है। इसी तरीके से दिल्ली पुलिस जो है उसको लेके जा रही है। हम लोग आपको तमाम वो विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम वो चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता को उठाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। आपको हम लोग विजुअल्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पुलिस की गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे तमाम जो है पुलिस वाले मौजूद है और एक एक करके डिटेन किया जा रहा है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, महिलाओं को मार रहे हैं। ये साक्षात पता लग रहा है कितने हिंदूवादी सरकार चला। क्या सरकार डर गई है? सरकार डरी नहीं गई है, सरकार घबरा चुकी है। उनके मंत्रियों के, उन सबके हौसले पस्त हो चुके हैं। ये राहुल गांधी नहीं, दूसरी आंधी है। आप ये मान लीजिए, स्मृति ईरानी कह रही है कि डरपोक है राहुल गांधी। पूरा नाम लीजिए, उनका नाम है स्मृति जुबेर जो बोल रही हैं, उनको अपने आप में सोचना चाहिए। उनकी आंखों के सामने महिला पिट रही हैं, बोले स्मृति जुबेर ईरानी। जब मोदी जी और स्मृति ईरानी और अमित शाह बोलते हैं कि मेरे देशवासियों, उस देशवासियों में ये भी महिला आती है राज्यपाल सांसद जिनको उन्होंने पीटा है। तो क्या सरकार बुरी तरह गिर गई है इस वक्त? सरकार गिरी नहीं है, लोकसभा चलने नहीं दे रहे, राज्यसभा चलने नहीं दे रहे। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए आज से नरेंद्र मोदी जी की उल्टी गिनती चालू। अब तो सदस्यता चली गई, अब क्या होगा अगला कदम आप लोगों का? सदस्यता नरेंद्र मोदी जी की आंखों में चली गई है। राहुल गांधी इस देश के दिलों में रहते हैं, रहते रहेंगे। आज चुनाव फिर करा लीजिए अमेठी से, फिर तुम्हारा चुनाव करा लीजिए वायनाड से। अगर राहुल गांधी ना जिसको कहते वो ना जीते, राहुल गांधी देखने को मिलेंगे, राहुल गांधी वापस 100% संसद में मिलेंगे, देश में मिलेंगे, हम लोगों के दिलों में मिलेंगे और इसी देश में मिलेंगे। हर व्यक्ति को एक एक दिल में राहुल गांधी है। लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि आदतन ये आदत बन चुकी है राहुल गांधी की अपमान करना। जब हिमाचल में चुनाव हार रहे थे तो अनुराग ठाकुर क्या कर रहे थे? हिमाचल अनुराग ठाकुर बचा नहीं पाए, देश को बचाने की बात करेंगे अनुराग ठाकुर? पहले अपने हिमाचल को देखें। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि 2024 राजीव जी आप भी काले कपड़े पहन के आए, किस तरीके का विरोध दर्ज कराने की कोशिश? वो जो मसाल जुलूस है और मसाल जुलूस के लिए विरोध दर्ज करा रहे हैं। चोर है, चोर है। सर अमित शाह बोल रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि 2024 सर अगला कदम क्या होगा? आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? जा रही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? राहुल गांधी का घर 30,000 करोड़ कितना है? अब जाने दो उनको। तो आप लोग देख रहे हैं तमाम जो है बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे खिलाड़ी भी मौजूद हैं, यहाँ पे जो दीपक हुड्डा थे वो भी आए थे और तमाम लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस का जो आंदोलन है इसको लोग जो है कवर कर रहे हैं और आ रहे हैं। तो हम लोग उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए राहुल जी, माइक नीचे रखिए। राहुल जी इस मामले में बहुत बड़े दिल के इंसान हैं। उनका मैं अगर उन्होंने लोग निकाल रहे हैं तो हम सरकारी घर में नहीं रहेंगे।
स्वयं उन्होंने जो है उसके जवाब में लिख दिया कि मैं घर खाली कर दूँ। मशाल आप लोगों की पुलिस ने मशाल जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से है जिसको पुलिस नहीं निकलने दे रही, ये बहुत गलत बात है। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है 1984 के परिप्रेक्ष्य में कि